बिश्पीश क्या है? बीजा बीबी बीबी वाह जोर से पीछ पीछ क्या हो रहा है पीछ पीछ कितना जोर से बीबी मच्छी आ गई मच्छी आ गई ओ तो बीच बीच मच्छी आ गई अच्छा बीच बीच मच्छी आ गई बीच बीच उड़ा था आ गया भोजपुरी तो चलो एक बार गुड मॉर्निंग बोलो सबको गुड मॉर्निंग अरे गुड मॉर्निंग कहा गुड आफ्टरनून हो गया गुड आफ्टरनून बोल दो गुड आफ्टरनून छोड़ो कार्टून में व्यस्त हैं अभी भाई साहब पौने एक हो रहा है प्लान था एक मेरा बाहर जाने का बट एक आइटम डिलीवर होने वाला था तो उसी के लिए वेट कर रहे थे कि आइटम का एक वीडियो बनाया जाए बिकॉज बहुत यूजफुल और बहुत दिन से प्लान था मेरा थोड़ा सा कॉस्टली है बट मेरे को एक अच्छा ऑफर में मिल गया बिकॉज अमेजोन का एक ऑफर आया था प्राइम डे का तो दिखाते हैं क्या प्रोडक्ट है चलो खोलो तो इसको खोलो 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 आदि तब से परेशान था खोलने के लिए कि क्या है इसमें खोलो खोलो तुमको तो आता है ना तब से तुम तो इसीलिए बैठे थे क्या है नहीं होगा चलो ये आ गया छोटा सा डब्बा फोन नहीं है बेटा फोन नहीं है ये तो ये देखो तो ये आइटम है सैंडिस्क का एक्सट्रीम पोर्टेबल SSD 1 TB और ये प्रोडक्ट बहुत सही प्रोडक्ट है मतलब बहुत दिन से लेने का मेरा प्रोग्राम चल रहा था को रुको निकालो ये देखो पापा की दवाई है रुको रुको पापा की दवाई आ गया उसमें इसमें बहुत सामान है रख दो पापा की दवाई हाँ पापा की दवाई आ गई चलो आधे को थोड़ा सेटल होना था नहीं तो ये करने नहीं देगा कुछ मेरे को पापा के दवाई लगाई बेटा होच्छे बेचारे ये दूसरा दवाई है तो मौसमी जूस पियोगे ना आजी से मांगो आजी का मौसमी जूस रेडी हो गया मांगो तो आजी से जाओ बोलो क्या सही प्रोडक्ट है यार साइज देखो मतलब ये एक बिस्किट के साइज का है और है 1 TB SSD मतलब क्वालिटी तो एक नेक्स्ट लेवल क्वालिटी है हाँ दवाई लगाए मतलब अनएक्सपेक्टेड अगर इसको मेरे हाथ में रखा जाए कि ये देखो ये कैसे इसका साइज बताएं रुक जाओ ये देखो अभी साइज आपको प्रॉपर समझ में आएगा ये मेरा हाथ है और हाथ के साइज में मतलब हाफ है मेरे हाथ में और इतना स्लीक है ना एकदम पूरा बिस्किट जैसा बहुत सही प्रोडक्ट है अरे हाँ अरे भाई हाँ लगाएंगे रुको और इसके साथ ये मेरे को मिला है एक Type-C to Type-C और एक USB कनेक्टर तो ये बहुत काम का चीज़ है मेरे लिए ये मेरे को मेरे फ़ोन में भी लग जाएगा बाइक में तो खैर थोड़ा केबल लंबा होना चाहिए बट ठीक है पर्पस मेरा सॉल्व हो जाएगा इससे काफ़ी तो चलो इसको एक बार अब चेक करते हैं अब ये आइटम खरीदने के पीछे जो कारण है वो आपसे बताएं मेरा लैपटॉप थोड़ा अभी मेरे पास जो लैपटॉप है वो है मैकबुक एयर और मैकबुक एयर में ये 2017 मॉडल है शायद मेरा 128 GB SSD जो कि अभी एडिटिंग के लिए एकदम ही सफिशिएंट नहीं है तो मेरा प्लान था लैपटॉप को अपग्रेड करने का बट बजट अभी एकदम मेरा परमिट नहीं कर रहा है बिकॉज लैपटॉप अगर अपग्रेड करने जाएंगे तो 1,70,000 के आसपास का रेंज है अगर वो क्या M1, M2, M3 ऐसा ही कुछ अभी चीप वाला जो निकला है एक्सचेंज में मेरे को कुछ पैसा मिल जाएगा तो फिर भी अभी उतना बजट है नहीं मेरा तो इसीलिए प्लान हुआ कि एक काम करते हैं एक SSD ले लेते हैं और ये SSD मेरे को पड़ा है करीब 8,500 3,500 का डिस्काउंट मेरे को अमेज़ॉन का एक आ गया था प्राइम डे ऑफ़र और एक था मेरे क्रेडिट कार्ड पे करीब 1,200-1,300 रुपये का ऑफ़र तो ये करके मेरे को बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल गया ये मेरे को 8,500 रुपये का पड़ा है 1 TB तो पर्पस अभी मेरा सॉल्व हो जाएगा अब इसी एक्सटर्नल ड्राइव को मैं अपने मैक में यूज़ करके अपना जो भी काम है हो जाएगा 5 ईयर्स की वारंटी के साथ आता है ये शॉक प्रूफ है गिरना पड़ना जो भी है वो बहुत हेल्पफुल रहेगा तो ये एक सही चॉइस होगा मेरे लिए तो वही सोच के ले लिया कि अगर मान लो लैपटॉप का भी अपग्रेड भी करते हैं तब भी ये मेरे पास रहेगा और इन जनरल डेटा स्टोरेज तो हम लोगों को ज़रूरत पड़ता ही है वीडियोज़ शेयर करने के लिए
ठीक है, तो चलो इसको एक बार यूज़ करते हैं फिर देखते हैं। तो ये यहाँ पर डिवाइस अपना लग गया है, ये है यूएसबी, ये यूएसबी और ये टाइप सी टू टाइप सी है, बिकॉज ये टाइप सी कॉम्पेटेबल है, और मेरा ये जो लैपटॉप है ये पुराना मॉडल है, इसलिए यहाँ पर टाइप सी कॉम्पेटेबल नहीं है। इन लोगों ने एक ऑलरेडी कनेक्टर दे के रखा है, तो ये लग गया यहाँ पर। लगाते साथ अपने को ये फोल्डर देखने को मिला जिसमें ये एक ऑप्शन है, इंस्टॉल सिक्योरिटी फॉर मैक, इंस्टॉल सिक्योरिटी फॉर विंडोज़। तो ये एक एक लेयर ये लोग ऐड कर देते हैं सिक्योरिटी का, जिसके वजह से आप जब कभी भी कोई फाइल वाइल ट्रांसफ़र करो तो वो स्कैन हो जाए। अच्छा, अब आते हैं डिटेल्स में। ये एक चीज़ ध्यान रखना होता है, बिकॉज़ आप विंडोज़ और मैक दोनों मशीन आपके पास है, तो ऑलवेज़ ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो फॉर्मेट है वो एक्सफैट होना चाहिए। एक्सफैट अगर नहीं होगा तो आप विंडोज़ में यूज़ नहीं कर पाओगे, और ये यूनिवर्सल फॉर्मेट होता है। कैपेसिटी 1 TB है, जिसमें से ऑलरेडी कुछ 317 MB मेरा डिस्क में यूज़ हो चुका है, जो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर वगैरह दिया है। तो अब अपने पास बैकअप भरपूर हो गया है, जब कभी भी किसी भी राइड या किसी भी ट्रैवल पर निकलेंगे तो डेटा इशू हमारा नहीं होगा। बिकॉज पहले क्या होता था, यहाँ स्टोरेज नहीं है, मेमोरी कार्ड मेरे पास, हाँ बेटा बेटा, मेरे पास मेमोरी कार्ड 256 GB का है, तो वो अगर भर गया तो फिर वहाँ से डेटा कहाँ निकालो, डिलीट करो, बहुत टफ हो जाता था। तो इसीलिए ये एक परचेस मेरा हुआ, तो इसको यूज़ किया जाएगा, आगे के जो भी ट्रैवल प्लान्स होंगे उसमें थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा मेरे को। अब ये सेम डिवाइस मेरे PC में कनेक्ट हो गया है, तो देखो कनेक्ट करते साथ मेरे को ऐसा स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पे। ये है इनका सिक्योरिटी वाला, तो इसको अभी क्या करते हैं, इंस्टॉल कर दिया जाए, बिकॉज़ इस मशीन में भी मेरे को डेटा ट्रांसफ़र करना होगा। रुक जाओ, वो काम का है, वो पापा का काम का है, मतलब वो सब पापा के काम में आ गए। हाँ काम, ये अपना फिनिश हो गया। अब ये इजीली मैं अपने मैक और विंडोज़ दोनों में इसको यूज़ कर सकता हूँ, तो फाइल सिस्टम इसमें भी वही सपोर्ट करेगा, और फाइल ट्रांसफ़र स्पीड बहुत सही है इसमें। तो चलो, इंस्टॉलेशन दोनों में हो गया अपना, प्लग इन प्ले है, कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर और वैसा ज़रूरत नहीं होगा आपको। और कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें जो है वो थोड़ा सा और आपसे शेयर कर दें, जैसे ये हाई स्पीड स्टोरेज डिज़ाइन टू कीप यू मूविंग में तो कहाँ लिखा हुआ है, ये देख लो 1 TB, यहाँ स्पीड मेंशन कर दिया गया है 1050 रीड एंड 1000 राइट। ये देखो क्लियरली यहाँ पे दिख जाएगा आपको, रीड एंड राइट का स्पीड काफ़ी अच्छा है, एक बार में आराम से 4 या 5 GB का फाइल आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छा चीज़ है, वाटर रेजिस्टेंट, ये बिकॉज़ हम लोग जब राइड वाइड करते हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा वो प्रॉब्लम होता है कि कहीं डिवाइस हमारा पानी में भीग ना जाए, तो उसके लिए तो ये बहुत ही सही है। तो यही रहा अपना सैंडिस्क का एक डिवाइस, जो कि ज़रूरत था मेरे को काफ़ी दिनों से। तो चलिए, डिटेल सारा आपको मिल जाएगा, अमेज़ॉन का लिंक मैं आपसे शेयर कर दे रहा हूँ, अगर खरीदना है तो आप वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हो। तो चलो, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस ब्लॉग, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।